कियाकि सब गोटे जानै छै कि एतय बहुत दूर दूर सॅ लोग आयल छै, दरभंगा मधुबनी जिला सॅ लोग आयल छै, तऽ सोचियौ कि मतलब केहन ई सबमे लोक मे हौसला छै। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे कोने ब्लॉग पे। तो आज का दिन जो है आज है 21 अगस्त 2022, आज जो है मेरा तीसरा एग्ज़ाम है। और दोस्तों एग्ज़ाम के देने के बाद जो है आज मैं जाने वाला हूँ जंतर मंतर। जंतर मंतर क्यों जाने वाला हूँ आप सभी को अभी बताऊंगा मैं वीडियो में आगे, क्योंकि आज जो है वहाँ दोस्तों मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, जो कि मिथिला के लिए एक ऐतिहासिक दिन है आज का। तो मैं भी एक मैथिल हूँ और वहाँ पर जो है बहुत सारे मैथिल लोग आने वाले हैं। आप सभी को वीडियो में आगे बताऊँगा पूरी डिटेल्स इन सब के बारे में कि क्या होने वाला है, आंदोलन क्यों हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, सब कुछ दिखाने वाला भी आगे। तो वीडियो एंड तक बने रहिए। अभी जो है फिलहाल टाइम बहुत हो चुका है और एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज भी जाना है। और देखिए दाढ़ी वगैरह तो इतनी बड़ी हो गई क्योंकि एग्ज़ाम के चक्कर में जो है टाइम वगैरह नहीं मिल पाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अपना एग्ज़ाम देने के लिए, फिर जो है पूरा डिटेल में वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो अभी जो है मेरा ये वाला मास्क थोड़ा ख़राब है, इसीलिए एक नया मास्क लेना है सबसे पहले। तो ये लो अंकल, ये ले लिया भाई नया मास्क, क्योंकि मेट्रो में जो है मास्क बहुत ज़रूरी है। अभी जो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं नेताजी सुभाष पैलेस, यहीं पे जो है मेरा एक कॉलेज है श्री गुरु गोविंद सिंह। अभी जो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं नेताजी सुभाष पैलेस और यहां पे जो है मेरा कॉलेज है श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहीं पे जो है आज एग्ज़ाम है और पहले एग्ज़ाम हो जाने दें अच्छे से, फिर जाएँगे हम जंतर मंतर। आज जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है वो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलते हैं अभी एग्ज़ाम देते हैं। जय गौ माता। तो भाई यही है कॉलेज, तो फिलहाल अभी एंटर कर चुका हूँ कॉलेज में और अब जो है एग्ज़ाम दे के आप सभी से मिलता हूँ 3 घंटे के बाद। तो अभी जो देख सकते हो फाइनली मेरा हो चुका है एग्ज़ाम और ये पूरा क्लास जो है खाली हो चुका है, खाली मैं बचा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को यहीं से थोड़ी सी बातें कर लिया जाए कि मैं वहाँ क्यों जाने वाला हूँ और वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये आंदोलन जो है इस बार हो रहा है मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा, यानी कि जो बिहार को जो है दो पार्ट में बांटने के लिए, एक बनेगा मिथिला एक बनेगा मगध। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो मिथिला का जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। मिथिला में जैसे मिथिला रीजन में हर साल जैसे बाढ़ आती है तो डेवलपमेंट के नाम पर जो है वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए जो है इस बार मैथिली लोग चाहते हैं कि हमारा जो है मिथिला को एक सेपरेट राज्य बना दिया जाए। तो उसी के लिए जो है ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो है सांसद घिराव होने वाला है जंतर मंतर के पास। तो मैं भी अभी वहीं जाने वाला हूँ क्योंकि भाई मैं भी एक मैथिल हूँ और मैं भी जो हूँ बिहार के मिथिला रीजन से ही बिलोंग करता हूं। तो इसीलिए जो है ये बिहार को दो पार्टों में बांटने के लिए जो है आंदोलन किया जा रहा है। आप सभी के इस पर जो है क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और जैसे कि मैं अभी वीडियो में मैथिली भाषा नहीं बोलता हूं क्योंकि जो मेरी ज़्यादातर ऑडियंस है वो हिंदी समझती है, लेकिन मुझे भी जो है मैथिली भाषा पूरी आती है, घर में जो है पूरा हम मैथिली ही बोलते हैं। तो अभी जो है बस मैं जा रहा हूँ अपने क्लासरूम से और आप सभी को जो है वीडियो में थोड़ा सा भी सुनाऊँगा कि कैसे बोलते हैं मैथिली भाषा। और फिलहाल जो है सारे पंखे वगैरह जो है मैंने ही बंद कर दिए हैं। चलिए ये सारे स्विच जो है डन, चलिए चलते हैं। अभी जो इधर खा रहा हूँ थोड़ा छोले चावल, क्योंकि सुबह से जो है कुछ नहीं खाया था, खाली थोड़ा घर से दही चूड़ा खा के निकला था। ये देखिए ये है छोले चावल 20 रुपये प्लेट। मैं यहाँ हूँ नेताजी सुभाष पैलेस और यहाँ जाऊँगा सबसे पहले कश्मीरी गेट। अभी जो है फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन और अभी यहां से जा रहा हूं पटेल चौक, क्योंकि जो जंतर मंतर के सबसे पास वाला मेट्रो स्टेशन है वो पटेल चौक ही है। तो अभी जो है मेरे पीछे है जंतर मंतर गेट नंबर 2 और यहां से बस मैं एक्सिट कर रहा हूं और अब देखते हैं वहां जाते हैं जल्दी से। मुझे जो है यहां तक आ रहा है अनाउंसमेंट का आवाज़ कि भाई हो रहा है अनाउंसमेंट यहीं पर, और बस मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ अभी। के माटी के लाल तो हमरा कम किछ नै चाही चाही रात तो हमरा
अगर ई राज्य आंदोलन अगर हम कह रहल छियै अपन सब के छोड़ छाड़ के लागल रहे छियै तखन हम फ्रस्ट्रेट होइ छियै तखन हम निराश होइ छियै तो हमर मित्र मित्रा स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य मोहन हमरा सामने हमेशा रहे छै हर पल पर खड़ा रहे छै आदित्य मोहन जी के उदय जी के नीरज जी के मैथिली भोजपुरी अकादमी के अध्यक्ष हमर अग्रज नीरज पाठक भैया जे समर्थन के लिए है समर्थन हम अपने विसर सके छियै संगे संगे हम सब के लड़ाई के जगह कह देती है 500 लोग रहता 5 लाख के बजट है पैसे नहीं रहा 5 लाख रुपया कतौ सा बजट एतै तो ओहि में भगवान रूप में हमर सब के अरुण पंजियार भैया सब अयले पल्ले भैया सब अयले आपके जे अमित भैया सब अयले हुनका सब के योगदान के हम अपने भैया के दै छियै माथा जका गेल छै तो बहुत नाम नहीं रहल सब छियै बहुत नाम बिसर गेल छियै चाचा जी के आग्रह पर पूरा मिथिला अभी जो यहाँ आ रखे आंदोलन में वही देखिए पीछे अनु भैया है और बहुत ही ज़्यादा क्राउड है देखिए सबके लिए जो है खाइयो पिए के बंदोबस्त है पूरा फुल जमीन लग के आई वो फैक्ट्री के भी अंदर थी सर आई वो कहीं रह जाए सूता भी तो हमरा आलू पहला तो जमीन लेकिन कौन से अपन कौन से लिए आज सब तो हम आग्रह करब जे एकरा जिंदा कर रखबाक छै अइ आंदोलन क्यों नव घर उठे पुरान घर खसे चौहत्तरम वर्ष में हम प्रवेश कर गलो हैं जन्माष्टमी दिन हम चौहत्तर तिहत्तर पूरा कर लेल आप पैर टूटल हाथ बाईपास सर्जरी हम कते कूदबे लेकिन कूदबे ने विचार जब पूछत तो विचार देवे आंदोलन जो हमरा आंदोलन सिखा हम लिया जो जानकी से पैग हुए नहीं भेटत जान हुनका अजय ब्याह से निकाल देलके हैं एक हाँ कान ओ चाहिए मिथिला राज मिथिला राज क्या चाहिए अइले हम सब सखी बहन पा अहाँ सबके संग छी सबसे पहले तो एकरा राजनीतिक मंच नहीं बनाओ और हम सब मातृशक्ति हरदम अहाँ संग रहब अगर राजनीति मंच बनाओ तो हम सब आगू से अहाँ सबके संग नहीं आए राजनीति मंच नहीं बनाओ भाषण बाजू के हत्या नहीं बनाओ धन्यवाद सब गोटे के गोर लागे छी सब गोटे के प्रणाम करे छी और सबसे पहले प्रसाद यादव के सरकार हुए सब सरकार हमरा लूटे के कोशिश करत एखन जे छै तऽ बहुते तेज पानि पड़ लागलै लेकिन एकटा चीज देखियौ मिथिला के लोक के देखियौ हौसला एखन तक ठाढ़ छै सब गोटे जे छै पानि मे पूरा भीज गेलै लेकिन एखन तक जे छै हिम्मत नहि हारलियै आओर एखन तक ठाढ़ छै आब इम्हरसँ उम्हर मार्च करै छै आइ जे छै ई आवाज पूरा दिल्ली के कोना कोना मे पहुँचा देबै कि हमरा सबके मिथिला राज चाही देखियौ एखन कते जोर से पानि पड़लै देखियौ पूरा पानि तानि भरि गेलै उम्हर लेकिन एकोटा जे छै मैथिली अपन जगह से हिललै नहि सब देखियौ ओतय ठाढ़ के ठाढ़ छै जंतर मंतर पर और मिथिला राज के जे एक सुर में बांधे के कोशिश कर एम एस सी ओकर बहुत बहुत धन्यवाद और ये मिथिला राज के लेल जे आवाज उठलकै एम एस सी बहुत बहुत धन्यवाद आई आई मंच से मिथिला राज के लेल जे अलग से केनो है और तैयारी में छै कोनो तरह के कमी नहीं रहल देखियौ पानि तानि सब तुरंत तुरंत दे रहल छै किएकि सब गोटे जानै छै कि एतय बहुत दूर दूर से लोग आयल छै दरभंगा मधुबनी जिला से लोग आयल छै तऽ सोचियौ कि मतलब केहन ई सब लोग में हौसला छै आ रहे छै दिल्ली के कोना कोना में ई आवाज हम पहुँचा के रहबै नेता
लो भैया आटा प्लेट देना करवाना है आपसे। ला 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 हां भाई वीडियो दो चम्मच दो सेवा करो जी। ये लो लो जी यहां के लोग देखेंगे। उम्मीद नहीं रहे कि एतेक लोग थे और एतेक मतलब एकता दिखे थे कि एतेक पानी पड़े तब एक आदमी अपन जगह से नहीं हिले। ये एकता है खाली मैथिली लोग सब भै सके तो अखन आंदोलन भैग पूरा खत्म और हम सब अपन घर जा रहा करीब साँझ के अखन 3:30 बजे वाला है और आप जा घर। अगर अहाँ सबके वीडियो नीक लागल तो वीडियो को लाइक करियो और चैनल के जरूर सब्सक्राइब करियो एहन एहन और वीडियो देखे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय मिथिला।